रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम द ट्रूथफुल स्टोरी की कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं। इससे पता चलेगा कि हाउ मच यू डिड यू अंडरस्टैंड, आपने इसको कितना समझा है। तो आज हम वोकैबुलरी करेंगे। आपको पता है कि वोकैबुलरी का मतलब होता है ज़खीरा अल्फाज, और आपको ग्रामर आती ना आती हो, ज़खीरा अल्फाज ज़्यादा हो तो आप अपना माफी ज़मीर बयान कर सकते हैं। अगर ज़खीरा अल्फाज ही ना हो तो आप कुछ नहीं बोल सकते। तो आप एक रीडिंग की हैबिट डालें अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, छोटी छोटी बुक्स पढ़ें। और दूसरी बात है, अपनी रूटीन सेट करें कि आपने रोज़ का काम रोज़ करना है, और उसके अलावा जो आप नए लफ्ज़ सीखते हैं उनके फ्लैश कार्ड बना लें और वो गेम्स खेलें, एक दूसरे से सुनें। इस तरह आपके मानी और उनकी प्रोनंसिएशन बेहतर होती जाएगी। उसके अलावा आप वर्ड मैप्स बना सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, पैसे कमाना, खर्च करना, बनाना, ज़ाया करना, कारोबार में लगाना, इसे आपको इस्तेमाल करना आएगा। आप जैसे मिलते जुलते अल्फाज हाइपोनिम कहते हैं, और सिनोनिम्स मुतरादफ, वो अल्फाज जो एक ही जगह दूसरे एक ही जैसे मानी रखते हैं लेकिन लिखने में फ़र्क है। और एंटोनिम कहते हैं मुतजाद को, जैसे महंगा, चीप और एक्सपेंसिव। अब हम आज अपने वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। ये लेफ्ट कॉलम पे वर्ड्स हैं और राइट कॉलम पे इनके मीनिंग है। आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और इनको आपस में मिलाएं, फिर इसका जवाब देखते हैं। जैसे सेंट, कारवान, लूटेड, प्रेशियस, प्रॉम्प्टली और वीप। अब आप एक बहुत चाइनीज प्रोवर्ब है कि आई टेल मी आई शैल फॉरगेट, अगर कोई मुझे बताए तो मैं भूल जाता हूँ। शो मी आई शैल रिमेम्बर, अगर कोई मुझे दिखाए तो मुझे याद रहता है। लेट मी राइट एंड आई शैल अंडरस्टैंड, लिखने से मुझे समझ आती है। ये आप लिखते भी जाएं। जैसे सेंट है तो इसके लिए जो मुतबादल लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो है गुड पर्सन, पाइटिस्ट, नोबल मैन, लव्ड वन एंड होली बींग। जो सेंट होता है वो उसके जो खूबियाँ होती हैं वो जेनरस होता है, फ़ियाज़, स्कॉलर होता है, ट्रूथफुल होता है, सच्चा, पेशेंट, साबर, सब्र करने वाला, थिंकर, फलसफी और कम्युनिटी बिल्डर, माशरे को तश्कील देने वाला। अब इसके मुतजाद है एंटोनिम डेवल और डेमन, शैतान और भूत प्रीत। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था कारवान। कारवान जो है वो काफ़िले को कहते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों के काफ़िले हो सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ अल्फाज हैं, ट्रेन, प्रोसेशन, मोटर केड, कन्वाय। तो हम देखते हैं कि प्रोसेशन जुलूस जैसे होता है लोगों का, मोटर केड गाड़ियों का काफ़िला, ट्रेन डिब्बों का, और कैलकेट घोड़ों का काफ़िला। इसी तरह कन्वाय कारवां ट्रकों का, फ्लीट ट्रेलर और गाड़ियों का फ्लीट। इसी तरह वैन, कॉलम ऑफ टैंक्स और वैगन, हाथ गाड़ी जिसमें बच्चे बैठे हों। और एंटोनिम फॉर कैरवान इज इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन, एक अकेला आदमी। इसी तरह हमने देखा था लूटेड का मतलब होता है किसी को लूट लेना, ये उसके सिनोनिम्स हैं लूट के। प्लंडर और पायलट जो है वो वार के दिनों में, जंग के दिनों में लूट मार करना होता है। रैंक सेक्ट होता है किसी घर की चोरी करना और घर को भी चीज़ें खराब कर देना। फिर है रॉब्ड, जैसे कोई पिस्टल निकाले और उससे किसी के पैसे छीन ले, इसको रॉब्ड कहते हैं। फिर है प्रेशियस, प्रेशियस के जो मुतरादफ हैं वो ये अल्फाज हैं, यू आर वेरी प्रेशियस, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कीमती बनाया, अपनी वैल्यू को जाने और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, अपनी सलाहियतों की हिफाजत करें, उन्हें बेहतर रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते में लगाएं। जैसे हम कहते हैं एक्सपेंसिव कार, महंगी कार, प्राइसलेस मोमेंट्स, ऐसे कीमती लम्हात जिनकी कोई कीमत ही नहीं है। और मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल, कीमती बनाना, वाई इज़ आईफोन कॉस्टली, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, महंगा। फिर है अपोजिट क्या है, चीप, वैल्यूलेस, इनएक्सपेंसिव, कॉमन, डिफेक्टिव, डेफिशिएंट, यूजलेस, बेकार, ये प्रेशियस के अपोजिट्स हैं। फिर है प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली, जल्दी से, फौरी तौर पर। तो राइट वे, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, स्पीडीली, रेडीली, स्विफ्टली, ये सारे जल्दी के मानों में आते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का अपोजिट है स्लोली, लेट और टार्डीली,
जैसे प्लीज ड्राइव स्लोली हम किसी को कहते हैं आहिस्ता चलो, जैसे कछुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो स्लोली कछुए की रफ्तार से चलने वाला। यू आर लेट, लेट के मानों में टार्डिली भी लेट के मानों में आता है। फिर है वीप, वीप के मुतरादिफ मानी है ग्रीव, सौरो, क्राय, सॉब, जैसे रोना आंसुओं के साथ इसको वीप कहते हैं, आवाज के साथ रोने को क्राई कहते हैं, मौत पर रोने को ग्रीव्ड कहते हैं और अफसुर्दा होने को सौरो कहते हैं। और अपोजिट ऑफ वीप है लाफ, एक्सप्रेस जॉय, बी हैप्पी एंड रीजॉयस, जैसे कहका लगाना, बी हैप्पी मुस्कुराहट चेहरे पे नमोदार हो जाती है, जॉय खुशी का इजहार करना और रीजॉयस दूसरे की खुशी में शरीक होना। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और